हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष कोर्सेज जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस के बारे में, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में कि फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया। जिसने भी अपना रिजल्ट नहीं देखा वो आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट AACC पर जाकर देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज एंड कोटा वाइज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ओके गाइज। और ऐसे ही आयुष रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करती है बीएमएस कोर्स के कट ऑफ के बारे में, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में, ओके। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा में गई है 541 मार्क्स, ओके, ये आप देख सकते हैं। एंड गवर्नमेंट एडिट कोटा में गई है, ऑल इंडिया एडिट कोटा में गई है 538 मार्क्स। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 598 मार्क्स, ओके गाइस, इतनी कट ऑफ गई है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 591 मार्क्स, ओके गाइस, तो इतने नंबर गई है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 595 मार्क्स। एंड जनरल कैटेगरी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है कट ऑफ 561 मार्क्स, ओके। ये थी बीएमएस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। इसके बाद में बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की, बीएमएस कोर्स में कितनी कट ऑफ गई है, ओके। तो गाइस, ये ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है। तो ओबीसी कैटेगरी की बीएमएस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में कट ऑफ गई है 589 मार्क्स। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में गई है 585 नंबर। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में गई है 587 नंबर, कि इतनी कट ऑफ गई है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 552 मार्क्स, ओके गाइस, तो इतने नंबर गए आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा में गई है 423 नंबर। एंड एडिट कोटा में गई है 419 नंबर। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में गई है 478, ओके। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में गई है 473, ओके। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में गई है 486। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 422। तो ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी, ओके, आप देख लेना। एंड एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में गई है 415 मार्क्स। एंड एडिट कोटा में गई है 404। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में गई है 454। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में गई है 447। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में गई है 462। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 418। ओके गाइस, एंड इसके बाद में बात करते हैं हम बीएचएमएस कोर्स के बारे में, ओके गाइस। तो ये बीएचएमएस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा में वो गई है 497।
एंड एडिट कोटा में गई है 498 एंड BHMS की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता में गई है 533 एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 526। ओके गाइस, तो ये है इतनी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की BHMS में। एंड OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो OBC कैटेगरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गई है 508 मार्क्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 503। ओके गाइस, तो ये थी OBC कैटेगरी की कट ऑफ। एंड SC कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट कोटा में गई 387 नंबर एंड एडिट कोटा में गई थी 386 एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी 386 ही गए थे एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई थी 384। ओके, इसके बाद में बात करते हैं ST कैटेगरी के बारे में। तो ST कैटेगरी में वही गवर्नमेंट कोटा, उसमें गई है 364 एंड एडिट कोटा में गई है 372 एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता में गई है 364 एंड लास्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में गई है 3। ओके गाइस, तो ये थी BMS एंड BHMS की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ जाने वाली है एंड BMS या आइस काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। एंड जिससे भी ये डाउट है कि सर फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन मुझे सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो क्या मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ, क्या मैं कॉलेज में जा कर रिपोर्टिंग करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, अगर इस तरह के आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।